हरियाणा रोडवेज की 2 दिवसीय इस हड़ताल से झज्जर जिले में विभाग को करीब 11 लाख का नुकसान झेलना पड़ा। 2 दिवसीय इस हड़ताल में विभाग ने 7 कर्मचारियों को निलंबित किया और 61 कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। महासंघ ने जैसा दावा किया था कि झज्जर जिले में 2 दिवसीय हड़ताल पूरी तरह सफल रहेगी, वह दावा झज्जर डिपो में असफल होता दिखाई दिया, जबकि बहादुरगढ़ में ये हड़ताल पूरी तरह से सफल रही। बहादुरगढ़ में हड़ताल सफल होने से विभाग को 2 दिनों में करीब 11 लाख का नुकसान हुआ है, जिसके चलते 7 कर्मचारियों को निलंबन के नोटिस थमाए गए हैं। यात्रियों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी न हो, इसके लिए झज्जर बहादुरगढ़ दोनों स्थानों पर पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। झज्जर में सभी गाड़ियां सुचारू रूप से चल रही हैं, यहाँ हड़ताल जैसी कोई बातचीत नहीं है। बाकी आप देख सकते हो सभी सुबह से नॉर्मल चला हुआ। तो स्ट्राइक की बात करें तो कोई विरोध किसी प्रकार का किसी ने किया हो या सुबह? नहीं, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, किसी ने गाड़ियों को रोका, नहीं किसी को विरोध किया, नहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया। किसी यात्री को कोई परेशानी आई हो रास्ते में? किसी यात्री को कोई परेशानी नहीं। झज्जर में कुल 104 गाड़ी हमारी चली हैं और 3 गाड़ी चली बहादुरगढ़ की, जो गाड़ी आउट ऑफ स्टेशन थी वो गाड़ी कल बाहर चल गया, तो टोटल हमारी 107 गाड़ी कल ऑपरेट हुई है। झज्जर में कोई स्ट्राइक का असर नहीं है और आज भी झज्जर गाड़ी 98 गाड़ी 1 बजे तक चल चुकी थी और अभी भी चलने की और संभावना है। तो सिवाय बहादुरगढ़ को छोड़कर और झज्जर में कोई स्ट्राइक का इफेक्ट नहीं है। बहादुरगढ़ में अपने 61 आदमियों को पुलिस की मदद से उठवा दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद भी आज भी सिर्फ 2 ही प्रीत ड्राइवर आए, जो 2 गाड़ियाँ आज बहादुरगढ़ की चली हैं और इससे नुकसान का तो करीब बहादुरगढ़ का नुकसान हो गया तकरीबन 5.5 लाख पर डे और झज्जर का फिलहाल कोई नुकसान नहीं है। सभी रूटों पर बसें चली जब मतलब मैक्सिमम रूट कवर करने की कोशिश की है, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा आउट ऑफ स्टेट जिस तरह हिमाचल का है बैजनाथ रूट वो भी कवर किए हमने, तकरीबन सभी रूटों पर गाड़ी भेजने की कोशिश की है। तो कोई घटना ना हो इस तरह का कोई इंतजाम? अभी पुलिस की सुरक्षा पूरी है, बड़ी पुलिस है और यहाँ भी पुलिस है, कोई अभी तक प्रॉपर्टी कोई नुकसान हुई है नहीं होने की उम्मीद है। एक बहादुरगढ़ में बात आई थी कि कोई निलंबित किया कर्मचारी को? बहादुरगढ़ की रिपोर्ट हेडक्वार्टर ने मांगी है और निलंबित हमने 60 कर्मचारी कर दिए। जी जी, जो अरेस्ट हुए थे वो 60 कर्मचारी हमने निलंबित कर दिए, जो मतलब पुलिस उठा रही थी वो 60 कर्मचारी हमने निलंबित कर दिए। यहाँ भी सुरक्षा के इंतजाम किए? यहाँ सुरक्षा पुलिस का प्रबंध पूरा है और यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी सुरक्षा दृष्टि ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं।